तो देखिए स्टार्ट यहाँ से होके यहाँ तक जा सकता है। सोच आपकी, मेहनत आपकी, आप किस तरह से अपने करियर को लेके चलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सैलरी बढ़ गई, अब आपकी सैलरी 1200, 1300, 1400, 1500 डॉलर तक भी जा सकती है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं प्रणीत मेहता, चीफ इंजीनियर इन मर्चेंट नेवी, पिछले 14 साल से सेल कर रहा हूँ। और आज ये जो वीडियो बना रहे थे पूरा अंत तक देखिएगा, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ जीपी रेटिंग के अंदर अलग अलग रैंक्स की डिपार्टमेंट के साथ और उसमें कितनी सैलरी हो सकती है। बट दोस्तों, बिफोर वीडियो बनाने के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैं ये सैलरी की बात कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छी या अबव एवरेज शिपिंग कंपनी की सैलरी की बात कर रहा हूँ। मैं उन शिपिंग कंपनीज की सैलरी बात नहीं कर रहा जहाँ पर बच्चा एजेंट के थ्रू जाता है 2 या 3, 2.5 या 3 लाख रुपए दे के, फिर वो उसको ऐसी ऐसी कंपनी भेज देते हैं जहाँ पर वो बच्चा 18-18 घंटे काम कर रहा है, कोई वर्क कल्चर नहीं है, कुछ नहीं है, सेफ्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सैलरी कितनी है? 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, और आगे ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। और फिर वापस आने के बाद एजेंट बोलता है भाई पैसे दो अगर अगला जहाज चाहिए तो। तो मैं ना तो उन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, ना मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, और ना मैं उन एजेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि बच्चों को इस तरह की गलत सलाह देते हैं। बट दोस्तों, साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ एजेंट की गलती नहीं होती। जितनी गलती एजेंट की है वो तो उसका काम है, उससे ज़्यादा गलती आप किया कि आप उनकी बातों में क्यों आए। इसलिए क्योंकि आपको शॉर्टकट चाहिए था, इसलिए क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि आप कम्युनिकेशन स्किल नहीं इंप्रूव करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि आप अपने टेक्निकल नॉलेज पर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि आपको अपने पे भरोसा नहीं था। तो अपने पे भरोसा कीजिए, सही तरीके से ज्वाइन कीजिए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 2-3 कॉलेजेस को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज, टीएस रहमान, नूसी गोवा, वहाँ पर भी बहुत सोच समझ के जाना है, पूरी मेहनत करनी है ताकि अच्छी कंपनी में जाए, वहाँ पर नाम बने और लोग आपको जाने। उसके साथ साथ आज दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। अब जब सैलरी की बात करते हैं तो जैसे मैंने अगेन पहले ही बताया, फिर से बताता हूँ कि जीपी रेटिंग में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट हो गया सलॉन रेटिंग, जहाँ पर आप स्टीवर्ड के थ्रू स्टार्ट करेंगे और फिर आप उसके बाद बन जाते हैं चीफ कुक। तो अगर मैं एक अच्छी से एक एवरेज अबव शिपिंग कंपनी की बात करूं, जब आप एक स्टीवर्ड की तरफ फर्स्ट शिप पे ज्वाइन करते हैं, शायद हो सकता है आपकी सैलरी 450 या 500 डॉलर पर मंथ हो और आपका 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 500 डॉलर मतलब 35,000 रुपये। लेकिन अगले ही जाँच पर आपकी सैलरी भर के 500 से 650 डॉलर हो सकती है, उससे अगले जाँच पर आपकी सैलरी 950 से 1,000 डॉलर तक हो सकती है। अगर आप ज़िंदगी भर खुश हैं कि आप स्टीवर्ड बन के ही काम करना चाहते हैं, बस लोगों के आगे प्लेट रख दी, वो प्लेट्स वगैरह साफ कर दी, कोई काम दोस्तों छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सेटिस्फैक्शन की बात होती है। होटल्स में ये सब चीज़ें होती हैं, क्रूज में होती हैं, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बट अगर आप सेटिस्फाइड हो के फाइन, आप मैक्सिमम 1,000 से 1,200 डॉलर तक की आपकी सैलरी होगी, ज़िंदगी भर आप 9 से 10 महीने की सेलिंग करेंगे, इतना तो कम से कम आपको सेलिंग करनी ही पड़ेगी। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको लगता है नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मेरा खाने में शौक है, मैं खाना बना सकता हूँ, आप चीफ कुक बनने की कोशिश कीजिए। उसके लिए छोटा सा एग्जाम देंगे, आपको चीफ कुक बन जाएंगे, आपको COC मिल जाएगा चीफ कुक के अंदर, वहीं क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आप जहाज़ के ऊपर सबके खाने का ख्याल रख रहे हैं, अगर अच्छा खाना नहीं होगा तो हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम कैसे आप लोगों को अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो खाना सबसे ज़रूरी चीज़ है और चीफ कुक की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो अगर आप एक अच्छे चीफ कुक हैं, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपके साथ मिलकर चलेगा, क्योंकि आप अपने काम में अच्छे और सबका ख्याल रख रहे हैं। तो वहीं पर एक चीफ कुक की सैलरी 1200 डॉलर से स्टार्ट होकर 1500 डॉलर तक, इवन 1700 डॉलर तक भी जाती है, कुछ कुछ अच्छी अच्छी कंपनी में 2000 डॉलर तक भी जाती है। अगेन मैं फिर, और अगर आप ख़राब कंपनियों की बात करो तो मैंने वहाँ पर चीफ कुक को 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार पर भी काम करते हुए देखा है। तो देखिए स्टार्ट यहाँ से होके यहाँ तक जा सकता है। सोच आपकी, मेहनत आपकी, आप किस तरह से अपने करियर को लेके चलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आगे चल के आप क्रूज में जा सकते हैं, बहुत सारी अलग चीज़ें कर सकते हैं। सो सेटिस्फैक्शन आपका कि आप कितने में खुश हैं, कि बस इतना मिल जाए भाई ज़िंदगी कट जाएगी मेरी, जय माता दी। आगे बढ़ते हैं, जो अगला डिपार्टमेंट है जहाँ पर मैं बात करता हूँ, डेक साइड की, जहाँ पर आप पहले ट्रेनी OS बनते हैं, ऑर्डिनरी सीमैन, फिर आप एक OS बनते हैं, फिर आप एक AB बनते हैं, उसके बाद आप क्या बनते हैं, आप बनते हैं बोसन। तो अगर मैं ट्रेनी OS की बात करूँ तो आपकी शायद हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी 300-350 डॉलर ही हो। अगेन फिर से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक एवरेज या अबव एवरेज शिपिंग कंपनी का नाम लेते हुए आप जाएंगे, थोड़ा थोड़ा काम सीखना शुरू करेंगे, अभी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, फिर एक दो जहाज के बाद डिपेंडिंग की हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया कि मैं इसको ट्रेनी OS में 2 जहाज कराएंगे, या अप्रेजल कैसा है, जहाज से रिकमेंडेशन कैसा है कि कितना अच्छा काम है, तो हो सकता है 2 जहाज के बाद ही आपको OS बना दिया जाए, जहाँ पर सीधा हो सकता है आपकी सैलरी 700 डॉलर या 800 डॉलर या इवन 900 डॉलर तक चली जाए। फिर आप आगे चल के थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, 2 से 3 जहाज करेंगे तो आप AB बन जाएंगे। अब आपका काम सिर्फ डेक का मेंटेनेंस नहीं, साथ में आपका काम है नेविगेशन भी करना, आप थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर के साथ वॉचकीपिंग भी कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं,
तो आपकी सैलरी बढ़ गई। अब आपकी सैलरी 1200, 1300, 1400, 1500 डॉलर तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग आपको ओवर टाइम कितना मिल रहा है। कुछ कुछ कंपनीज में ओवर टाइम बहुत अच्छा है, वहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। यहीं पर बात करते हैं गाइस, लोग जाना चाहते हैं ITF वाली कंपनीज में जहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, ओवर टाइम ज़्यादा है। तो ये भी चीज़ें हैं जो मैं बाद में अपने अलग वीडियोज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो एक तो ये चीज़ आप जानिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। AB के बाद आता है कि लोग कहते हैं नहीं यार मुझे बोसन बनना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है। तो क्रू का मैनेजमेंट बोसन करता है, जो कि पूरा काम लेता है चीफ ऑफिसर से कि अच्छा ये काम कराना है, फिर वो अपने आप काम डेडिकेट करेगा। ये काम OS को देना है, ये काम AB को देना है, ये काम AB को देना है, ये काम AB को देना है, और खुद भी बहुत मेहनत करता है। उनकी सैलरी 1500 से 1700 डॉलर, 1800 डॉलर, 2000 डॉलर तक भी देखी है अच्छी अच्छी कंपनीज में विद एक्सपीरियंस। और वहीं पर दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, कुछ ऐसे ऐसे खराब कंपनीज हैं जहाँ पर आप 18-18 घंटे काम करोगे, आप बोसन हो, लेकिन सैलरी कितनी है, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो सोच आपकी, रास्ता आपका। उसी तरह दोस्तों अगर मैं GP रेटिंग में बात करूँ, अगर आप इंजन साइड पे, तो पहले आप ट्रेनी वाइपर बनेंगे, तो जहाज पे सिर्फ आपको अभी सिर्फ आपको मॉपिंग और पेंटिंग का काम मिलेगा, क्लीनिंग का काम मिलेगा। आपकी सैलरी से 350 डॉलर हो या 400 डॉलर हो, फिर एक दो जहाज करके आप बनेंगे वाइपर। वाइपर में आप दो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 9-9 महीने के, उसके बाद आप एक लाइसेंस निकालेंगे जिसे कहा जाता है COP, एक सर्टिफिकेट होता है वो निकाला, उसके बारे में हम, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे, बट अभी जानी है। फिर ट्रेनिंग, आप वाइपर बनते हैं, आपकी सैलरी 700 से 900 डॉलर होती है। फिर वाइपर के बाद आप बनते हैं ऑयलर, यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सैलरी भी 1200 से लेकर 1500 डॉलर तक जाती है। यहाँ पर अगेन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कितनी अच्छी कंपनी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, उतनी ज़्यादा सैलरी। तो कंपनी चेंज भी करते रहेगा, अच्छी से अच्छी कंपनी में जाते रहिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो यहाँ पर आ गया ऑयलर। ऑयलर इंजीनियर के साथ काम करता है, वॉच कीपिंग में काम करता है, उसे इंजन रूम राउंड भी लेना आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके स्किल सेट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आके ये स्टॉप गैप लगता है दोस्तों। तो अगर आप, ये सैलरीज हैं, ये मार्केट रेट्स हैं, ये अभी के, अगेन आपके स्किल सेट के ऊपर, आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ तक के जा सकते हैं। दोस्तों अगर GP रेटिंग के बारे में आप सही चीज़ जानना चाहते हैं, सारे वीडियोस जो प्लेलिस्ट में दिए हुए, सारे के सारे देखिए, आपको हर वो जानकारी मिलेगी जिस पे आपका हक है, और आप कामयाब बन के रहेंगे। धन्यवाद।